बीजेपी सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि उसने रिश्वत खत्म करके योग्यता के अनुसार नौकरियां दी हैं। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। चिनाई का काम करता हूँ, मकान का। हाँ, मेरा बड़ा लड़का लगा, बस पढ़ाई उसने अपने करी ही, मतलब मेहनत करके लगा है। कोई पैसा दे ली कोई ना, अपनी मेहनत से लगा, कोई रिश्वत नहीं ले। मेरा नाम साजिद है। मेरे बड़े भाई की जॉब लगी थी हरियाणा पुलिस में, और इससे पहले वो ग्रुप डी में हुआ था। और हमने जो भी जो मेरी भाई ने जॉब की है उसमें एक भी पैसा नहीं लगा। अपनी एबिलिटी, जो अपनी योग्यता, उसके बेस पर उसने जॉब पाई है, और ये उसकी तीसरी जॉब है। फिर जो उन्होंने जॉब मिली उसके मेरे भाई की तीसरी जॉब है अपनी योग्यता के आधार पर। पहले वो दिल्ली में गेस्ट टीचर लगा, उसके बाद उसका ग्रुप डी में हुआ था, फिर उन दोनों जॉब से रिजाइन कर। बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आई है, और मैं इस चीज़ के लिए बीजेपी सरकार को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम 2012 से अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, बट हमारे पास ना तो पैसा था ना ही जुगाड़ था। और दो बार तो मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ खुद, और उससे पहले मेरे भाई दो बार, एक बार ग्राम सचिव में रिजेक्ट हो चुका है, एक बार पंचायत सेक्रेटरी में रिजेक्ट हो चुका है, तो एक बार मैं भी खुद रिजेक्ट हो चुका हूँ, एक बार मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में रिजेक्ट हो चुका हूँ, क्योंकि हमारा कोई सिफारिश नहीं थी, ना ही हमारे पास पैसे थे। अब जो इस बार हमें जॉब मिली है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के बेस पे जॉब मिली है, और हमारा एक पैसा भी नहीं लगा। और इस चीज़ के लिए हम हरियाणा सरकार को और बीजेपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए। और ये अगर ये सरकार रही तो जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत मौके मिलेंगे। बस मैं तो यही कहता हूँ कि भाई मेहनत करें और आगे बढ़ें। चले हम एक और भाई से बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इजहार है, मैं गांव चंदनी का रहने वाला हूँ। और जैसे कि आप यहाँ आए हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा भाई मोहम्मद इरफान का क्लर्क में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा आयोजित परीक्षा में शिक्षा विभाग में सिलेक्शन हुआ है। और जैसे कि आप बताना चाहता हूँ, जो उसकी कट ऑफ लगी थी 164 और 164 के टेस्ट में ही नंबर थे, उसमें कोई पर्ची खर्ची की कोई ज़रूरत नहीं थी। अपनी ईमानदारी, अपनी योग्यता के आधार पर और अपनी मेहनत के आधार पर उसने जॉब प्राप्त की है। ये तो अब किसी की नौकरी की कोई ज़रूरत भी ना है। बालक में मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, अपने आप मतलब नौकरी मिल जाती है मेरिट के आधार पर। और मैं खुद उसी जिस भर्ती में मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ है उसमें मैं खुद दो नंबर से रह गया था कट ऑफ से। अगर काश मेरे दो नंबर होते तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। और ये बिल्कुल एक निष्पक्ष एंड पारदर्शिता बरती है इस सरकार ने, और इस सरकार ने मेवात के यानी जो हरियाणा के नौजवान हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं मेहनत के। और मैं सभी को मेवात वासियों से यही गुजारिश करूँगा कि आप इन नेताओं के चक्कर में मत पड़ें, और अपनी मेहनत से और अपनी योग्यता के आधार पर जॉब प्राप्त करें। करते हैं एक बुजुर्ग से चलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजात खां है। क्या काम करते हो? अब तो मैं बस अपने जमींदार का ही काम करता हूँ, बाकी मैं रिटायर्ड मैनेजर हूँ कोऑपरेटिव बैंक का। अच्छा, आपके बेटे की जो नौकरी लगी थी किस आधार पर? बस वो अपने मतलब इंटेलिजेंसी के ऊपर लगी थी उसकी नौकरी में। ना, कोई रिश्वत नहीं। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें।